दोस्तों पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था, और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वह कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था, ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो तमाम पिरामिड के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक दो हेडिंग चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं, एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वीन चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्च की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मिलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा सुराख है जिसमें इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो फिर आखिरकार ये वन पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ ये छोटा सा सुराग छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वह कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कम्प्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई लोग रिसर्च कर रहे हैं। किसी ने बोला कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो इजिप्शियंस नहीं थे, और उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठाया जाता और पत्थर तुड़वाए जाते थे। तो कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियन आए थे जो ये पिरामिड बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहां मिलने वाले वर्कर की हड्डियों और स्केलेटन का मुआवना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्च का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वह किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी, जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पैरो पिरामिड्स को ना एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने। तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलिशान स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थी और ना ही मॉडर्न टूल्स। तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे, लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1,00,000 मजदूरों की मदद ली गई, और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10, पिरामिड्स की उलझी हुई खतिया अब सुलझाना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शंस के कई पोशीदा राजों को फास कर दिया था, लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्च को तंग कर रहे थे। उनमें से एक रास्ता था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ, 60,00,000 टन से भी ज्यादा वजनी 23,00,000 पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर का आखिरी कोई मकसद तो होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है, और मरने के बाद भी वह पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उसको इन पिरामिड्स में दफनाया जाएगा। जो पिरामिड्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा, और यही शायद उनका बिलीव था। लेकिन पिरामिड्स का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11,
एंशियंट्स इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के शक्कार स्ट्रक्चर्स के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफी से, जिसमें देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड बनाए, उन्होंने इन तीन पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया, क्यों इन तीनों की पोजीशन आपस में मैच नहीं हो रही। पहले तो ये एक को इंसिडेंट समझा गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रोबोट बोवाल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रोबोट बोवाल का मानना था कि ये सब एक को इंसिडेंट नहीं, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियंस तारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरिएंट बेल्ट के तीन सितारों की पोजीशन के हिसाब से ये पिरामिड्स बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन तीन सितारों में से दो ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डिम भी है, और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही पैटर्न गीजा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्सप्रेस फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चैम्बर के अलावा पिरामिड्स की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वह सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड के अंदर कई राज पोशीदा है। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाएगा, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि तब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर दो कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने स्लैब में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसके अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिया। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपोर्ट को ये लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया। लेकिन डॉक्टर जा ही हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले 4 सालों में कोई दूसरा एडवांस रिपोर्टिंग कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।